बजाज पल्सर N150 का नया मॉडल लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाइट पर रेड स्टिकर आपको कलर देखने को मिलेगा, इधर आप देख पा रहे हैं रेड ब्लैक पर रेड स्टिकर आपको कलर देखने को मिलेगा। इससे पहले 160 मॉडल आ रहा था, सेम वही आपको डिजाइन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी और इसके प्राइस में भी आपको फर्क मिलेगा। तकरीबन 20,000 आसपास आपको एक कम बाइक आपको देखने को मिलेगी। 1,40,000 की आपको ऑन रोड प्राइस है और 1,18,000 की आपको एक्सरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उस वाली बाइक से आपको इस वाली बाइक में अधिक फीचर्स देखने को मिले, कंपनी ने चेंज कर दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे और उसके बाद गियर लीवर को भी आपको चेंज कर दिया कंपनी ने। उसके बाद दोस्तों इस साइड से आप देखते हैं, पहले वाली जो बाइक मॉडल आ रहा था उस वाली बाइक में आपको किक देखने को नहीं मिलती थी, इस वाले मॉडल में आपको किक देखने को मिल जाएगा। तो ये बाइक जो है किक वाली बाइक दी है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट साइड से आपको सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलेगा, पीछे वाला ड्रम ब्रेक में दिया है। पहले वाले जो मॉडल था 160 उसमें आपको डबल ABS चैनल मिलता था, बट इस वाली बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS दिया है, कंपनी ने डबल ABS चैनल नहीं दिया है। दोस्तों इसके इंजन की बात करते हैं, 149.68 cc की बाइक है, सिंगल स्पार्क प्लग आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर डबल बाल है, एक सिलेंडर किट है, 5 गियर की बाइक है। और यहाँ पे आप नीचे एक साइड देखेंगे तो आपको बैनी पैनल दिया हुआ है, प्लास्टिक का बैनी पैनल आपको देखने को मिलेगा। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ इस साइड में दिया हुआ है। ये लैमडा सेंसर है, जो सेंसर वाली गाड़ी दी है, E20 का मॉडल है। यहाँ पर आप इस साइड में आते हो तो आपको E20 देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसके मीटर की बात करें तो बजाज पल्सर N160 जो मॉडल आता है सेम उस टाइप का ही आपको यहाँ मीटर देखने को मिलेगा। दोस्तों मीटर की तरफ देखें तो आप यहाँ पे माल फंक्शन लाइट है और बैटरी है, इंडिकेटर का और हाई लो का यहाँ पे बटन आपको ये लाइट देखने को मिलेगा, एनालॉग का स्पीड मीटर देखने को मिलेगा, गियर इंडिकेशन है यहाँ पे, स्पीड काउंटिंग का है, फ्यूल इंडिकेशन का है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ओडो का और RPM लिमिट, ABS, इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट आपको इस बाइक के जो फीचर्स है उसमें देखने को मिलेगा। टैंक के ऊपर आप देखेंगे USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल को चार्ज आप आसानी से कर सकते हैं इस बाइक के अंदर। और इसकी जो डिजाइनिंग की है वो सेम टू सेम आपको N160 मॉडल ले रहे थे आप, उस बाइक को छोड़ के आप इस वाली बाइक को लेना चाहोगे क्योंकि इस बाइक में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। इस बाइक का जो माइलेज है कब तकरीबन 50 के आसपास इस बाइक का माइलेज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और उस वाली बाइक जैसे कि 160 बाइक जो पहले चल रही थी उस वाली में आपको तकरीबन वही 40 के आसपास माइलेज मिलता था। और ये वाला जो मॉडल दिया है कंपनी नया निकाल के, ये कलर भी चेंज कर दिया, 2 कलर अभी फिलहाल आ रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी कलर आ सकता है 1-2। तो दोस्तों इस तरीके से जो बाइक देती है कंपनी माइलेज के हिसाब से देती है ताकि जो 160 यूज कर रहे हैं उनको माइलेज की जरूरत पड़ती है ज़्यादा, तो उसके हिसाब से उन्होंने 150 को लॉन्च किया है। हमने अभी इसको चला के देखा तो बहुत कंफर्ट चल रही है, यानी हैंडलिंग वगैरह और वैसे भी जो है हल्की महसूस हो रही है, बहुत गाड़ी चलाने में बहुत आरामदायक है। और मेरे हिसाब से बजाज पल्सर N150 आपको बाइक लेनी चाहिए, अभी ये लॉन्च हुआ है नया जल्द में। और इस बाइक में अभी आगे चला के हम देखते हैं इस बाइक में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आती, आगे मार्केट में चलती है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है हम उसका भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब से कर लें ताकि इस बाइक में जो प्रॉब्लम वगैरह आती है उसकी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।